राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में विकास, महिलाओं और पर्यटन पर खास फोकस किया। नई परियोजनाओं, सड़कों के विकास, पर्यटन स्थलों के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए इस बजट के अंदर कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 30 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करने से जुड़ी है। वहीं जयपुर में एक भव्य राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार भी होगा और एक नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी, जिसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा। बजट में युवा वर्ग पर खासा फोकस है। इसके तहत सरकारी नौकरियों को इसमें बड़ा तोहफा दिया गया है। दिया कुमारी ने आगामी 5 साल के अंदर 4 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनर्स की इलाज राशि 30,000 रुपए से बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दी है। दिया कुमारी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देते हुए 500 नई रोडवेज बसें खरीदे जाने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं जनजन के आस्था केंद्र खाटू श्याम जी में विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का भी इस दौरान ऐलान किया है और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के भी एक बड़ी घोषणा की। इसके लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का भी इसमें विस्तार किया गया है। तो तमाम वो चीजें हैं जो कि आम जनता से जुड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र इससे पहले तक मांग के तौर पर लोगों की तरफ से किया जा रहा था। हालांकि जब बजट पेश किया गया, बजट पेश करने के बाद इस दौरान हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने वित्त मंत्री दिया कुमारी से खास बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ हैं दिया कुमारी जी, जो वित्त मंत्री हैं। दिया जी, बहुत ही दूरदर्शी बजट आपने पेश किया। हमने देखा कि कोई लोक लुभावने स्कीम्स जो मतलब इलेक्शन को लेकर होते हैं, जो कहते हैं रेवड़ियां बांटना, वो नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा डेट भी है जो पिछली सरकारों ने छोड़ा है आपके ऊपर, वित्तीय भार भी है, लेकिन दूरदर्शी बजट है जी। नहीं, बिल्कुल, ये पूरा जो बजट है इसको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ और एक 2047 का जो विजन है उसको देखते हुए अभी से हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सुविधाएं देनी है, यूथ को एम्पावर करना है, महिलाओं को एम्पावर करना है, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए अभी से हमको जो प्लानिंग करनी है उसके साथ ये बजट बनाया गया जी। बिल्कुल, आपने हर वर्ग का ध्यान रखा है। मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी इस बजट में कि आपने वाटर ग्रिड की बात की है। एग्रेरियन इकोनॉमी क्राइसिस में है, अगर हम पानी का पर्याप्त किसी तरह से अगर हम उसका व्यवस्था नहीं करेंगे तो आगे जाके एग्रीकल्चर और भी क्राइसिस में पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से कि भाई फार्मर के लोन्स वेव करना जो शॉर्ट टर्म मेजर है, आपने एक वाटर ग्रिड की बात की है वो जो अगले 20-30 साल का देख रहा है जी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा प्रदेश पूरी तरह से वाटर डिफिशियंट प्रदेश है और यहाँ पर जैसे ही हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया, बात की मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, यमुना अग्रीमेंट हुआ, ERCP का समझौता हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। पिछली सरकारें बातें करती थी, हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही 1 महीने के अंदर ये काम कर दिया और इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ना केवल ये, चाहे मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान हो, हर प्रकार से हर क्षेत्र का ये जो समस्या है, पानी की समस्या, इरिगेशन के पानी के लिए, पानी पीने के लिए, पानी जल जीवन मिशन हो, इस पर पूरा फोकस रहेगा, आगे भी रहेगा। मैंने ये भी देखा है कि आपने जब यूथ की बात की है, नौकरियों की तो घोषणा की है, लेकिन साथ साथ उतना ही जोर दिया है स्किल पे, क्योंकि अगर यूथ स्किल होएगा तो सेल्फ एम्प्लॉयबल भी हो जाएगा जी। बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब्स तो हमने बोले ही हैं 4 लाख इन 5 सालों में, लेकिन उसके अलावा भी और जॉब्स क्रिएट हो। यूथ सिर्फ ये ना सोचे कि हम नौकरी करेंगे, हम नौकरी देने लायक भी बने, और जो स्टार्टअप्स पे भी इस बार फोकस किया गया है उनको भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। वैसे ही हम लोग आगे भी बहुत स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया गया है, बच्चों के स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी, चाहे IT हो, चाहे इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजों पे ध्यान। तो बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है और राजेंद्र राठौड़ से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, जरा वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। वर्धन सिंह जी राठौड़ जो मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्रीज एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ मामलात के लिए। राज्यवर्धन जी, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है दिसंबर में, हमने देखा है कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने उस पर फोकस रखते हुए ईज ऑफ बिजनेस के लिए खास प्रावधान किए हैं, तो क्या स्वरूप होगा उस इन्वेस्टर समिट का? देखिए, इंडस्ट्री कहीं पे भी आए उसके लिए कुछ बुनियादी फाउंडेशनल ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बिजली।
हम हर तरह से राजस्थान को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं और उसके लिए इन सभी चीज़ों की उपलब्धि हो उसके ऊपर ये जो बजट है इस पर पूरा का पूरा यही फोकस करा गया है कि हम बिजली उत्पादन के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर आती है और भी हर तरह से जो हमारी प्लानिंग होगी उसमें हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और जो कैप्टिव बिजली प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज करती थी उसके ऊपर जो लिमिटेशंस थी उस लिमिटेशंस के ऊपर भी चर्चा हो रही है कि कैसे वो लिमिटेशंस कम करी जा सकती हैं। साथ साथ यूथ चाहिए जो स्किल्ड यूथ हो उसके लिए हम इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं ताकि मैंने ये देखा है कि इस बजट में यूथ के लिए हमने देखा है सॉप्स नहीं है, इनफैक्ट इस बजट में बड़ा सॉप फ्री बजट है लेकिन स्किल करना एम्पावर करना प्राथमिकता दिख रही है। इंडस्ट्रीज को साथ में लेकर इंडस्ट्रीज को किस तरह का करिकुलम चाहिए किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए इंडस्ट्रीज से ही ट्रेनिंग करवाएं हम। साथ साथ एक नई पॉलिसी के ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह से सब्सिडाइज करके उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाया जा सके इसके ऊपर सबके ऊपर चर्चा हो रही है। आईटीआईज और खोले जाएंगे हर ब्लॉक के अंदर एक आईटीआई होगा। आईटीआई के अंदर जो इक्विपमेंट होगा वो वर्कशॉप होगा वो वर्कशॉप हायर स्टैंडर्ड का होगा इस सब के ऊपर काम चल रहा है। मेरा एक लास्ट सवाल है क्योंकि आप खिलाड़ी रहे हैं स्पोर्ट्समैन रहे हैं हमने देखा है कि अब भी जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर खेल आयोजित होंगे। हाल ही में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2036 ओलंपिक्स की तैयारी राजस्थान अभी से कर रहा है, कम उम्र के बच्चों की तलाश करके उनको तराशने का काम हम अभी से करेंगे उनको और तैयार करने का काम करेंगे। उसके लिए रेजिडेंशियल अकेडमीज की घोषणा हुई है उसको तैयार करा जाएगा, उसमें कोचेस को भी किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी हम उसके अंदर चलवाएंगे। हर साल राजस्थान के अंदर एक खेलो राजस्थान एक तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना, हमारे सहयोगी ने जब बातचीत की है तो उसमें आप सरकार के जो विजन है उसके बारे में उन्होंने बताया है और सरकार के इस बजट को लेकर के पहला बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट इसमें राजस्थान के अब आने वाले भविष्य को लेकर के बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं उसको आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे, हमारे साथ सोनिका महरवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोनिका जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सीए रजनीश सिंघवी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत से रामपाल जाट जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रजिक फर्शीवाला भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है लेकिन एक एक करके सभी से इसमें रिएक्शन में लेना चाह रहा हूँ। सोनिका जी सबसे पहले एक चीज बताइए कि इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और सबसे खास बात इस बजट की आपको क्या नजर आई है? बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगी एक बहुत ही सकारात्मक बजट है सारे ही वर्गों के लिए एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वुमेन एंटरप्रेनर्स के लिए इसमें एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि हमें देखने को मिली है। यूथ के लिए और सारे ही वर्गों के लिए इसमें एंटरप्रेनरशिप को स्टार्टअप को स्किल डेवलपमेंट को बहुत एक प्रोत्साहन मिला है। अगर हम विमेन एंटरप्रेनर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो लखपति दीदी योजना है जिसमें लाखों जो महिलाएं हैं उन्हें करीब 1,00,000 रुपए जो सालाना एक इनकम इसमें दी जाएगी वो ना ही उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं बल्कि एक एंटरप्रेनरशिप के उसमें भी उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा अगर हम अटल इनोवेशन स्टूडियोज एंड एक्सेलरेटर्स की बात करें तो ये भी एक तरीके से रिसोर्स हैंडलिंग में और एंटरप्रेनरशिप में विमेन को काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। यूथ एंड विमेन के लिए आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही अच्छा दौर है और बहुत ही एक सकारात्मक बजट है। बहुत सकारात्मक बजट है लेकिन जरा इसको अर्थशास्त्री के नजरिए से भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। बतौर सीए हमारे साथ रजनीश सिंघवी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजनीश जी एक चीज बताइए कि ये जो बजट है क्योंकि आम जो लोग हैं ना मध्यम वर्गीय लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इस बजट में उनके लिए क्या नजर आया है, इस बजट में आपके लिहाज से आम जनता के लिए क्या इसमें सबसे बड़ा पहलू है? नल से जल कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, उज्ज्वला योजना की बात है, खरों का जिक्र है इसमें सरकारी आवास देने का, बहुत सारे पहलू हैं लेकिन आम जनता को कनेक्ट करने वाली आपको इस बजट के अंदर कौन सी चीज नजर आई? इस बजट के अंदर काफी अच्छी तरीके से बहुत वाइड रेंजिंग अनाउंसमेंट्स किए गए हैं अलग अलग तरह की स्कीम्स को और रिइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। यदि आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए सबसे पहले हेल्थ इम्पॉर्टेंट होता है और हेल्थ के ऊपर ऑफकोर्स स्कीम्स पहले जो चल रही थी उन्हीं को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश है तो ये डेफिनेट हेल्प करेगा। इसके अलावा जब
रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट, एनर्जीज डेवलपमेंट, सोलर एनर्जीज का जो अपने काफी हाउसेस को देने की बात है, एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन, जो फ्लैट वगैरह में जो पहले 6% थी उस स्टैम्प ड्यूटी को रिडक्शन करने की बात की। तो ये वाइड रेंजिंग अनाउंसमेंट होने का ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग, मैं भी काफी सालों से बजट को सुनता आया हूँ, इस बार मुझे लगा कि सम यूनिक काइंड ऑफ अप्रोच हैज बीन ट्राई टू टेकन अप। तो उन्होंने कोशिश की है कि और नई चीजें आए, तो आई एम हैप्पी इस तरह के अनाउंसमेंट से। ठीक है, यानी कि कुछ नए कदम हैं और नए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी इसमें कोशिश की गई हैं। मैं इसमें लेकिन किसानों के लिए क्या हुआ है, क्योंकि किसानों को लेकर के अक्सर बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार से की जाती हैं, शिकायत भी होती है किसानों की कि आप उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। सबसे बड़ा जिक्र होता है MSP का, किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं उनका। रामपाल जाट जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं। रामपाल सर, एक चीज़ बताइए कि बजट के अंदर किसानों के लिए कई ऐसे कदम हैं, आप इसमें किसानों के लिए 1 लाख से ज़्यादा बिजली कनेक्शन को मंजूरी दी गई है जो कि पहले रोक दी गई थी, तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि किसानों के लिए किए गए हैं। आप जो ऋण व्यवस्था है उसको भी कर मुक्त कर दिया, मतलब उसमें किसी तरीके का आपको टैक्स नहीं देना होगा। किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की भी घोषणा कर दी, यानी कि आप लगभग 23,000 करोड़ का जो ऋण है उसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। आप जो बातें कह रहे हैं ये अपने जगह सब सही है। 1,45,000 कनेक्शन जो 31 मार्च 2024 तक लंबित है, उन सबको कनेक्शन देने की बात की एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये अच्छा कदम है, लेकिन एक आपको याद दिलाना चाहूंगा, बजट BJP का 2008-09 का, उसमें 1.5 लाख कनेक्शन देने की बात कही गई थी। वे कहा गया था मांगते ही मिलेंगे कनेक्शन, ऑन डिमांड होंगे कनेक्शन। उसको 9 को 15 वर्ष पूरे हो गए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आम जनता का अर्थ होता है जो 100 में से 75 से अधिक हो, और ये जो संख्या है तो किसानों की है। ये किसानों का प्रदेश है, और हमने दो ही बातें कही है। राजस्थान की समृद्धि का मंत्र है खेत को पानी मिल जाए, फसल को दाम मिल जाए, किसान को कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप जो भी कहना चाहो अपने पास रखो, हमें तो दो चीज दो, दो चीजों में पहली जो चीज है खेत को पानी, उसमें राजस्थान पूर्व रास्ता नहर परियोजना, उसके लिए बजट 9,600 करोड़ पहले क्या आवंटित है, उसका कार्यान्वयन हो चुके, नया क्या है, एक नया पैसा दिया। नई सरकार बनने के बाद MOU साइन हुए हैं, तो अब वो ठीक है, लेकिन बजट में प्रोविजन किया जा सकता है। तो तभी होगा ना सर, जब पहले आपसी सामंजस्य ही नहीं बन पा रहा था, तो अब कम से कम उसमें कदम आगे बढ़ा है। हाँ, जब सुवेंद्र बघेल, ये सामंजस्य पहले बड़ा होता है बिगाड़ा, और बिगाड़ के फिर कहा हमने सुधार दिया, इन्होंने बिगाड़ा, ये सुधार रहे। ये मैडम वसुंधरा जी के टाइम की योजना है, सबसे बढ़िया राजस्थान की जीवनदायिनी योजना है ये, कमजोर नहीं, और सब तरह से एग्जामिन करके के बात बनी थी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सिंधु जल समझौते का पानी आज भी पाकिस्तान जा रहा है, उसको राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग करना इस कहीं चर्चा ही नहीं बजट में। यमुना जल समझौता जिसकी चर्चा की गई है, भरतपुर जो गुड़गांव कैनाल है वहां भी केवल 20% पानी मिल रहा है राजस्थान को, 80% नहीं मिल रहा, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। इसी ढंग से माही, नर्मदा, अनेक ऐसी परियोजनाएं जिनका पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा, उसकी चर्चा ही नहीं है। और ये जो बजट आवंटन है, हमने ये मांग की थी, ये कहा था, आग्रह किया था सरकार से, सर्वोच्च प्राथमिकता दो पानी को, सिंचाई को, और वो नहीं दी गई। चर्चा पेट भरता है। दूसरा जो फसल को दाम की बात है, उसमें MSP यानी राजस्थान में बाजरा पैदा होता है, सरकार घोषणा करती है 10 वर्ष में 116% बढ़ोतरी करती, और एक दाना खरीदा नहीं। इसी ढंग से जो है 63% राजस्थान में एक दाना खरीदा नहीं, MSP पर खरीद, ये दूसरी सबसे बड़ी मांग है। हाँ, हमारा कहना है कि बच्चों को दाम, फसलों को दाम, सही बात, महत्वपूर्ण बात। और इसके लिए भारत सरकार ने 2017 में मॉडल एक्ट बना दिया, उसको राजस्थान सरकार को भेज दिया, उसके आधार राजस्थान सरकार ने 2018 में एक बिल ड्राफ्ट कर लिया, और वह सरकार के आलमारी में बंद है 2018 से। अब 2024 आ गया, यदि वो विधानसभा में आ जाए तो जो घोषित MSP है, ठीक है, उससे कम दाम किसी किसान को मिलेंगे नहीं, मिलेगा ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि जितनी तय MSP है
उससे कम दामों पर फसलों की खरीद होती है मंडियों के अंदर, और ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के सुधारने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी, इस पर विचार करना होगा। मैं वापस लौटता हूँ सर आपके पास भी, हमारे साथ राजीव जी भी लगातार कार्यक्रम है। राजीव जी, एक चीज़ बताइए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आप एक हेल्थ स्कीम जब लेकर के आए हैं राजस्थान की सरकार, तो ये किस तरीके से पिछली जो चिरंजीवी योजना थी उसको कंपीट करने में ये कारगर साबित होगी, क्योंकि अब इसको लेकर के राजनीति भी नए सिरे से शुरू हो जाएगी। पहले से कहते आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साहब, उनकी जो चिरंजीवी योजना थी बड़ी कारगर थी, लेकिन अब मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम कैबिनेट मंत्री तक ये आरोप लगाते हैं ना कि पहले की जो चिरंजीवी योजना थी उसमें पैसा ही नहीं मिलता था। देखिए बघेल साहब, राजस्थान गवर्नमेंट को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया उनका पहला, वो बहुत शानदार और संतुलित बजट पेश किया उन्होंने। परिवार का ध्यान रखा, विशेषकर कर्मचारियों का ध्यान रखा, तो ये बजट के लिए मैं बधाई देता हूं राजस्थान सरकार को कि उन्होंने संतुलित बजट पेश किया है। चाहे उसमें 10 संकल्प की बात कही हो, जिसमें 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो, चाहे वो सीए आपका सीएनजी पर वेट करने कम करने की बात हो, चाहे वो फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज स्टाम्प ड्यूटी घटाने की बात हो, तो ये कुल मिलाकर दिव्या कुमारी जी ने अपनी पर्सनालिटी के अनुरूप, अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बहुत अच्छा और संतुलित बजट पेश किया। इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। गैर राजनीतिक चश्मे के लिए कहीं 19-20 रह जाता है, उसको हमको समझना चाहिए, ना कि हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी विपक्ष की बात करके और सरकार में कीड़े निकालने लग जाए। मेरा तो ये कहना है कि हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहला राजस्थान सरकार का बजट था और बहुत शानदार और संतुलित बजट था। नहीं, इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको लगता है कि अब सियासत शुरू हो जाएगी? क्षेत्र में उन्होंने नई एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है, आपकी जो पुरानी योजना है उन सब में वो उसी को चला रहे हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसको बंद कर दिया है। तो सरकार कहीं भी स्वास्थ्य की सेवाओं को कहीं भी कम नहीं कर रही है। अभी आज आपने बजट में देखा होगा नई एम्बुलेंस का प्रावधान किया है उन्होंने। ठीक है, इसमें एक और खास चीज़ है, मैं इसमें सोनिका जी को जोड़ लेता हूँ। सोनिका जी, एक और सबसे खास बात ये भी नज़र आई कि पर्यटन के लिहाज से राजस्थान का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पर्यटन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए राजस्थान के अंदर असीम संभावनाएं जो नज़र आती हैं उसको मजबूत करने के लिए इस बजट के अंदर विज़न दिखाई देता है, और इसके लिए बहुत सारी कोशिश भी हैं। अब महिला मंदिर पर भी बड़ा फोकस किया गया है। अब आप देखिए कि कई जगहों पर पर्यटन ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनको डेवलप करने के लिए अलग से बजट अलॉट किया गया, तो क्या ये लग रहा है कि पर्यटन के लिहाज से भी अच्छा होगा, इससे रोजगार भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर्यटन जो कि राजस्थान का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है, एक पिलर है, इसको मजबूत करने के लिए इस बजट में बहुत ही बारीकाई से बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया गया है। खाटू श्याम जी मंदिर जो हम लोग का एक ऐसा एक तीर्थ स्थल है जिसके ऊपर स्पेशल बजट को फोकस किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं उनके संरक्षण के लिए इसमें स्पेशल बजट का एलोकेशन किया गया है। तो इससे डेफिनेटली जो हमारा टूरिज्म है, जो हमारी एक पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हम गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, तो ये सारी ही जो नीतियां हैं और सारा जो बजट एलोकेशन टूरिज्म पे खास करके ध्यान दिया गया है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम ये भी लेकर के आए हैं, तो इसके जरिए भी बड़ी कोशिश है कि आप खेलों के क्षेत्र में भी जो हमारे युवा हैं वो आगे बढ़ पाएं। हम हमेशा से, इससे पहले भी आप चर्चा हो रही थी तो उसमें भी जिक्र हो रहा था कि जब भी आप खेलों के क्षेत्र की बात होती है रजनीश जी, तो उसमें सबसे पहले हरियाणा का नाम लिया जाता है, और हरियाणा का नाम इसलिए क्योंकि वहाँ की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, वहाँ पर खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहित किया जाता है, मेडल लेकर के आते हैं तो उनको सराखों पर रखा जाता है, वरना उनको सुविधाएं तो बकायदा मिलती ही हैं। तो राजस्थान में भी इस लिहाज से ये कोशिश की गई है, और इसको एक बेहतर शुरुआत के तौर पर देखा जाए। हाँ, कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स पे काफी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। गांव तक के जो अपने गांवों तक में भी ओलंपिक्स किए गए थे ओलंपिक्स की तैयारी के लिए। हाँ, इस बार एक स्पेशल इम्पेटस एंड फोकस डेफिनेटली हेल्प करेगा, एंड बजट एलोकेशन होने से आई एम अ वेरी रेगुलर स्पोर्ट्स प्लेयर एज वेल,
तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं जयपुर में जोधपुर में तो अवेलेबल है पर छोटी छोटी जगह पे नहीं अवेलेबल है, उसके लिए एलोकेशन आई एम श्योर काफी हेल्पफुल हो। नौकरियों का बड़ा इसमें बात की गई है, युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश है। रजिक जी एक चीज़ बताइए कि युवाओं को साधने के लिए, और हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए उसके परिणामों का भी एक बड़ा इम्पैक्ट नज़र आया है। आप देखिए रोजगार को लेकर के बड़ा इसमें जिक्र किया गया, नल जल कनेक्शन, बहुत सारी ऐसी कोशिश की गई है जहां पर लैप्सेस रह गए थे उसको भरने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस बजट के अंदर कोशिश है ताकि वोट बैंक भी साधा जा सके, लोग भी हैं नाराज ना रहें उनको भी संतुष्ट किया जा सके। तो स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड अलग से अलॉट कर दिया गया, 4 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा है वो भी किया गया है। एक और खास बात है, वन स्टेट वन इलेक्शन की बात है, राजीव जी इस पर भी आते हैं, तो यहां से आप माना जाए कि लोकल लेवल पर ये एक नई तरीके की शुरुआत की जा रही है राजस्थान के अंदर से। बिल्कुल बघेल साहब, मैंने आपको शुरू में भी मेरे अपने वक्तव्य में कहा था कि सरकार का बहुत संतुलित बजट है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें युवाओं को रोजगार के लिए बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारियों को बढ़ाने की बात हो या दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए अपना खजाना खोलने की बात हो, तो हमें इस सरकार का, क्योंकि ये पहले सरकार का पहला बजट है और उम्मीद से बढ़कर सरकार ने खजाना खोला है। और आपने जो एक बात कही कि लोकसभा का बिल्कुल चुनाव का असर इस बजट पे दिखता है, सरकार कहीं भी नहीं, कहीं कुछ छोड़ना नहीं चाहती कि जिससे भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक और सांसदों का कहीं नुकसान हो, और वो हर अपने क्षेत्र के प्रत्याशी और जीते हुए उम्मीदवारों की राय जरूर ली होगी उन्होंने कि हम क्यों हारे और किस वजह से हारे, उसको माइंड में रखकर, दिमाग में रखकर ये बजट बनाया गया है और मैं इस बजट को 100 में से 100 अंक देना चाहता हूँ। चलिए तो आपने खैर ज्यादा दे दिए, लेकिन इसमें क्योंकि विपक्ष की भी हमें गुंजाइश रखनी चाहिए, मैं इसमें रामपाल जाट सर को जोड़ देता हूँ। रामपाल सर, आपको इस बजट में अभी क्या और दिखाई दे रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम इसमें ऐड करते, जोड़ देते तो ये बड़ा अच्छा बजट और हो सकता था किसानों के लिहाज से, आप इसमें क्या सोचते हैं? शुभेंद्र सिंह जी, जो कृषि बजट के आरंभ में लिखा है उसमें लिखा है कृषि हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है, धुरी है और अन्नदाता है किसान। यदि इस भावना से बजट लाया जाता, किसान पर फोकस किया जाता, तो बजट और बहुत बढ़िया होता, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो 75% किसान है उनको तो आप एक तरफ रख रहे हो और बाकी सारे सेक्टर को ले रहे हो, सब राजस्थान यानी किसान है, किसान यानी राजस्थान है। यानी आपको लगता है कि किसानों के लिए और कुछ बड़ा इसके अंदर अनाउंसमेंट होना चाहिए था, बड़ा बजट अलग से? हाँ, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमको तो हमारे उपजों के दाम मिले, खेत को पानी मिले, हम मांगना नहीं चाहते, हम अनुदान चाहते नहीं सरकार से, हम तो ये कहते हैं अनुदान तो करो बंद, हमें केवल दो चीज दो, खेत को पानी दे दो, फसल को दाम दे दो। और हमने कहा है न तुम्हारे 6,000 चाहिए न 72,000 चाहिए, हमें तो खेत को पानी और फसल को दाम चाहिए। तो राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर, राजस्थान होगा स्वाभिमानी, सम्मान के साथ जीने वाला, हमने कहा जैसे सम्मान ही दिए। अरे एक क्विंटल सरसों बेचने पर हमको 1450 रुपए का लॉस हुआ है, यदि 10 क्विंटल सरसों हमारी बिक जाती MSP पर तो हमको 1450 रुपए ज्यादा मिले। आप बात करो 8,000 हम दे रहे, हमको किस काम का तुम्हारा 8,000? या हमारा हाथ जो है अन्नदाता का, वो हम देने की मुद्रा में रखना चाहते हैं, लेने की में नहीं। नहीं, लेकिन ये एक चीज ये भी तो है ना रामपाल जी, कि पहले की जो परिस्थितियां चली आ रही हैं, पानी का संकट तो राजस्थान में आज तो नहीं बनाना, ये पहले से बना रहा है, तो उन चुनौतियों को पार कैसे पाना है, समाधान कैसे निकालना है, ये बड़ा जरूरी है। सुभेंद्र सिंह जी आप सही कह रहे हो, जितनी हमारे पास उपलब्धता है उसका पूरा उपयोग, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, एक जो युवाओं का रोजगार वाली बात थी, हमने कहा गांव में स्वायत्तता और खेती में स्वावलंबन, तो खेती का खर्चा घट जाएगा स्वावलंबन से, खाद हम तैयार करेंगे, बीज हम तैयार करेंगे, कीटनाशक हम तैयार करेंगे, सरकार टेक्नोलॉजी दे, प्रशिक्षण दे। ये इन्होंने जो बाजारवाद के भरोसे छोड़ दिया किसान को, नहीं तो अब ये जो ड्रोन दीदी का सिस्टम लेकर के आए हैं केंद्र के द्वारा भी जो योजना चल रही है, ड्रोन दीदी बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को एक तो पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ रहा है, दूसरा ड्रोन के जरिए खेती। हाँ, शुभेंद्र सिंह जी, हमारे घर से महिला है,
महिला हमसे अलग नहीं है, युवा भी हमसे अलग नहीं है, हाँ। ये सब हमका पार्ट है। तो ये वही तो कह रहा हूँ कि किसानों की यही तो है। अच्छा, इसमें ठीक है, ग्रामोद्योग की बात करते, हाँ। अब ग्रामोद्योग की बात की और बुनकरों को सहायता देंगे, ठीक है, ये तो 1950 से चल रही है। मैं इसमें मैं जरा इसमें राजिक जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। राजिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 40 लाख लोगों को रोजगार मिले, हाँ, वो नहीं किया। मैं रामपाल जी को बोलना चाहता हूँ, ठीक है रामपाल सर, एक मिनट जरा सुन लीजिए। हाँ हाँ राजिक जी बताइए। भी बजट बनाया है, आज 5 लाख नए किसानों को, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताइए जल्दी बताइए। 5 लाख नए किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था इस हाँ। बजट में सरकार ने रखी है, ठीक है। सिंचाई, यानी कि कई बड़े ऐसे काम हैं जो कि किसानों के लिए किए गए हैं और इसी का लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। तो आम जनता को इस बजट के अंदर क्या मिला है ये हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।